सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज बुंदेलखंड की पावन धरती महुआ जनपद में मैं समय आया हुआ हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सम्राट अशोक के ज़माने का एक स्तूप जो बहुत पहले से जराजीर्ण पड़ा हुआ था। जब यहां के स्थानीय लोगों को पता चला कि ये बौद्ध मठ है और इसमें सम्राट अशोक की लाट लगी हुई है, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएँ लगी हुई हैं, तो पूरे महुआ के सामाजिक धार्मिक लोग जागरूक हुए और उन लोगों ने शासन प्रशासन से मिलकर पहले इस ज़मीन को बौद्ध मठ में दर्ज कराया। इसके लिए इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। आज उस मठ का पूरा इन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सीमेंटेड पूरा ले लगा दी गई है और इस जगह लगभग 4 बीघे जगह है और इस जगह में बहुत भव्य कमरे बनाए जा रहे हैं और बहुत सुंदर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज भी उपलब्ध है यहाँ की पुरानी नींव, आज भी उपलब्ध है यहाँ की पुरानी ईंटें और आज भी वो उपलब्ध हैं पत्थर जो सम्राट अशोक के ज़माने लगाए गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, आप लोग देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारा साथ दें, आप देखें कि बहुत ही यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से इन लोगों ने इसका कार्य किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और वो उस ज़माने के पत्थर आप देख सकते हैं। देखिए ये सब इन्होंने यहाँ हरा भरा पौधे लगाए हुए हैं और इन्होंने ये उस ज़माने की, देखिए पत्थर नीचे पड़े हुए हैं, ये देखिए कुछ चीज़ें हैं उस ज़माने की, है ना, ये देख सकते हैं आप कुछ चीज़ें हैं उस ज़माने की। ये सब पूरा ये जो नीचे पत्थर तमाम पड़े हुए हैं ये भी सब उसी ज़माने के पत्थर हैं, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य है यहाँ का, ये सब उसी ज़माने के पत्थर पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और आगे से आप दृश्य देखें बहुत सुंदर है और यहाँ के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस ज़मीन को सुरक्षित कर लिया। आप देखें कि ये सामने से दृश्य है और इन लोगों ने मेहनत करके बहुत सुंदर देखिए बनाया हुआ है और यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के बहुत सुंदर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा इसमें स्थापित कराई। आप देखें कितना दृश्य अच्छा है और इसे कितना सुंदर देखिए इन्होंने बनाया है, पूरा मेहनत की है पूरा यहाँ के लोगों ने और मेहनत करके इसको कितना खूबसूरत, वो बौद्ध स्तूप था उसको ऊपर से इन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया है। मैं बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएँ देना चाहता हूँ आदरणीय पूरे महुआ के लोगों को, माननीय आदरणीय कुशवाहा जी को। आपका नाम क्या वकील साहब? कुलदीप कुशवाहा। कुलदीप कुशवाहा जी, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, ये एडवोकेट हैं आके, इन्होंने मिलकर के इस ऐतिहासिक विरासत को, पुरखों की बनाई हुई विरासत को संरक्षित किया है, सुरक्षित किया है। मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं पूरे भारत के ऐसे सभी लोगों को जो अपनी विरासत के लिए, अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए कितनी सुंदर इन्होंने इस पूरे स्तूप को बहुत सुंदर रूप दे दिया है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।